नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के गुंडरदेही से आ रही है, जहां पर अर्जुंदा थाने में पदस्थ एसआई और आरक्षक द्वारा कैदी से मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि एसआई और आरक्षक ने कैदी को हिरासत में लेकर बुरी तरह से पीटा। पुलिस द्वारा पुत्र के साथ भी मारपीट की गई और मारपीट को देख कर सदमे में आया पिता। सदमे के बाद युवक ने पिता को हॉस्टल में भर्ती कराया, साथ ही 28 दिन तक हॉस्टल में भर्ती रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। न्याय की मांग को लेकर शव के साथ थाने में बैठे स्थानीय विधायक और परिजन ने पिछले महीने से 15 तारीख को अस्पताल में हुई थी मारपीट। बता दें, मारपीट करने के आरोप में 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 15 तारीख को एक घटना हुई थी अर्जुंदा अस्पताल में। सूर्यकांत शर्मा, जिसे चोट लगी थी, उसको लेकर प्रवीण कुमार चंदेल हॉस्पिटल गया इलाज के लिए, और उसी के साथ पीछे पीछे सन्नी तिवारी बोलते हैं, सत्यजीत तिवारी शायद नाम है उनका, वो भी साथ में गया। और इलाज शायद देर में चालू हुआ, तो उसको लेकर स्टाफ के लोगों से उसकी बातचीत हुई तिवारी की। लेकिन इन सारी चीज़ों को, घटनाक्रम को मोड़ ये दिया गया कि तीनों लोग शराब के नशे में धुत थे और तीनों के द्वारा डॉक्टर के साथ स्टाफ के साथ मारपीट किया गया। जांच हुई, जांच के बाद आरोप इन लोग तय कर लिए खुद पुलिस वाले लोग, और उस आरोप के आधार पर सूर्यकांत शर्मा, प्रवीण चंदेल और सत्यजीत के खिलाफ कार्रवाई हुई। वो आज जो मेन है, जिसके साथ हाथापाई और जिन्होंने हाथापाई किया, वो बाहर है, और जो मरीज था और उनके साथ अटेंडेंट थे प्रवीण चंदेल, आज वो पुलिस की गिरफ्त के बाद वो जेल की हवा खा रहे हैं। मतलब हम लोग इसलिए न्याय की उम्मीद और न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जिसको इतना मारा गया था पुलिस कस्टडी में रात भर रखे, 15 तारीख को, 16 तारीख को फिर उसे छोड़ा गया था कि आप 2 दिन बाद आना। जब वो घर गया, परिवार के द्वारा जब पूछा गया कर रात कर कहाँ था, बेचारे रोते हुए जब अपना टी शर्ट निकाला, परिवार के बीच अपनी बातें की, देखा तो पूरे शरीर भर चोट के निशान, परिवार सदमे में आ गए। उनके पिताजी अभी रिटायरमेंट हुए थे, वो देखने के बाद वो कोमा में चले गए, पैरालिसिस अटैक हुआ। लेकिन हम लोग थे कि चलो शांत हो जाएगा माहौल, लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार में कोई देखने वाला नहीं है, बेटा जेल में है, बेटियां क्या करेंगी। तो शव को लेके न्याय की उम्मीद लगाएं कि जिन्होंने उसके साथ बर्बरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक जो मारपीट की है, विवेचक है, और आरक्षक, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। ये परिवार की मांग है और इनके साथ पूरे नगर और हम लोग सब खड़े हुए। 15 तारीख की घटना है, जिसमें मैं जो है उसका जीजा हूँ। 15 तारीख की घटना है जिसमें मेरे साले को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और रात भर, क्या नाम बता, किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? इन लोग जो है हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में इनके एक फ्रेंड को गाड़ी से गिर गए थे, जिसके कारण जो है उनको ड्रेसिंग करवाने के लिए इन लोग गए हुए थे। उस बीच में जो भी बातचीत हुआ होगा, वहां पर तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन वहां पर जो है डॉक्टर के साथ उसी मुद्दे को, ड्रेसिंग के मुद्दे को लेकर के जो है वहां पर जो है बातचीत हुआ। उस दरमियान जो है पुलिस वहां पर पहुंची डॉक्टर के बुलाने पर, और पुलिस के द्वारा जो है प्रवीण चंदेल और सूर्यकांत तिवारी और सन्नीजीत को रात को थाने में गिरफ्तार कर लाया गया, और रात भर मेसराम कोई पुलिस है, विश्वजीत मेसराम जो है, उनके द्वारा शराब के नशे में रात भर उनकी पिटाई की गई है। और चार दिन के बाद उनके ऊपर STSC का धारा और अलग से जोड़ा गया है। मामले में किसी भी प्रकार का कोई जांच नहीं हुआ है, ना ही किसी का उनका पक्ष सुना गया है। पुलिस के द्वारा लगातार उनको इतना मारा गया है, जिसके चलते उनके पिताजी को, जब उनके पिताजी को जानकारी हुआ तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने से पूरे परिवार, हम लोग उसको राजनांदगांव हॉस्पिटलाइज किए, और वहाँ हॉस्पिटलाइज करने के बाद जो है वहाँ से हॉस्पिटल के द्वारा रायपुर रिफर किया गया उनको। रायपुर रिफर करने के बाद हम लोग पिछले कुछ दिनों तक अभी हॉस्पिटल में थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि गुंडरदेही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अर्जुंदा थाने में पदस्थ SI और आरक्षक द्वारा कैदी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। SI और आरक्षक ने कैदी को हिरासत में लेकर बुरी तरह से मारपीट की है। पुलिस द्वारा पुत्र के साथ भी मारपीट की गई को देखकर वहीं सदमे में है। साथ ही बता दें
कि सदमे के बाद युवक ने पिता को हॉस्टल में भर्ती भी कराया। 28 दिन तक हॉस्टल में भर्ती रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। न्याय की मांग को लेकर शव के साथ थाने में बैठे स्थानीय विधायक और परिजन बैठे हैं। साथ ही पिछले महीने के 15 तारीख को अस्पताल में की गई थी मारपीट करने के आरोप में तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था।